भोपाल से अब खबर, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस सामने आए हैं और दिग्विजय के लोकायुक्त में शिकायत पर भी उन्होंने पलटवार किया। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस मिले। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि दिग्विजय के लोकायुक्त में शिकायत पर उन्होंने पलटवार भी किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अपने दाग धोना चाह रहे हैं दिग्विजय, तो ये उनकी ओर से कहा गया। और साथ ही कहा कि वीडी शर्मा का जीवन बेदाग है, तो वीडी शर्मा का जीवन बेदाग है और अपने दाग दिग्विजय धोना चाह रहे हैं। दाग उन पर एक डेंट पहले उनके वन मंत्री उमंग सिंगार जी ने लगाया था। वन मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खनिज माफिया कोई है तो दिग्विजय सिंह जी है, शराब माफिया है तो वो है। ये उस दाग को छुटाने की कोशिश है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बेदाग जीवन रहा है, निष्कलंक रहा है। इस पृथ्वी पर दो लोगों को जनार्दन कहा जाता है, एक भगवान को एक जनता को। जनता जब मोहर लगा देती है तो समझ में आता है कौन ने मुंह चलाया और कौन सरकार चला रहा है। मुंह चलाने चलाने में सरकार चली गई, पूरे चुनाव में एक उपलब्धि नहीं बता पाए अपने कार्यकाल की, हम पर आरोप लगाते रहे बस। मध्य प्रदेश के असंतुष्ट उमंग सिंगार को ही बुला लेते, वो बगल में ही रहते हैं अलीराजपुर झाबुआ के, लेकिन उनकी चिंता नहीं है। वहाँ से सचिन बिरला के कारण सचिन पायलट आ रहे हैं, अब कुछ नहीं होगा, जमीन तो सचिन बिरला साफ कर चुके। 15 महीने की एक उपलब्धि नहीं है, ऐसी आक्रमण सरकार आपने देखी नहीं होगी, ऐसा आक्रमण नेता नहीं देखा होगा। 27 लोग 27 महीने में विधायक छोड़ के जा चुके उस प्रदेश अध्यक्ष को, उस मुख्यमंत्री को। अब उसके बाद भी अगर वो बहुत काम करने वाले हैं तो वो जाने, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि कोई भी अराजक स्थिति बने, अशांति कैसे फैले। इनका सिर्फ एक ध्येय है, आप पूरे के पूरे उसके अंदर देख लीजिए, एक भी ट्वीट जबलपुर की घटना पे नहीं आया दिग्विजय सिंह का, धार का नहीं आया, बड़वानी का नहीं आया, और बजरंग दल पे तत्काल आ गया। ये इनकी सोच को उजागर करता है।